नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज। डीबी न्यूज से मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी शिव कुमार। बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ई रिक्शा में सवार होकर मायके जा रही महिला से हुई लूट। बाइक से आए तीन बदमाशों ने नंदी और देवराज से भरा बैग लूटा। दरअसल एक नवविवाहिता महिला ई रिक्शा में बैठकर घर जा रही थी, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सैसपुर के रहने वाले रईस अहमद की बेटी हसीन जहां की शादी कुछ दिन पहले ही ताजपुर निवासी इरफान पुत्र सभी अहमद के साथ हुई थी। वहीं जब देर शाम के समय हसीन जहां अपनी ससुराल ताजपुर से अपने मायके सैसपुर ई रिक्शा में बैठकर जा रही थी, उसी दौरान ताजपुर चौरा मार्ग स्थित मंगलखेड़ा गांव के पास जैसे ही रिक्शा पहुंचा, तभी तीन बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से आकर हसीन जहां से बैग झपट लिया और मौके से फरार हो गए। आइए जानते हैं इस संबंध में पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना। ताजपुर से जा रहा था ये सैसपुर के लिए, तो उनके पीछे तीन बाइक वाले लग गए और उनके हाथ में से पर्स छीन के ले गए। हसीन जहां का कहना है कि उसके बैग में सोने चांदी और जेवरात व 25,000 की नकदी थी, जो कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान बदमाश लूट कर ले गए। वही इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। आइए जानते हैं इस संबंध में पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना। शाम लगभग 6 बजे थाना शिवहारा पर सूचना प्राप्त हुई कि नूरपुर रोड पर मंगलखेड़ा पेट्रोल पंप के पास ई रिक्शा से अपने परिवार के साथ जाती महिला से मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पर्स छीन लिया है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, सीओ सर्वम सिंह, थाना अध्यक्ष चौहरा जीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना कर घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया। साथ ही कहा कि जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।